लाइफ कब चेंज हो जाए किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, किसी ने नहीं देखा। जो भी आप चाहते हैं बस इस पल में ही जी लो, कल किसी ने नहीं देखा है ना। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ओनम सिंह और स्वागत है आप सबका ओनम सिंह ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो में जैसा कि शेयर की थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है और ब्लड टेस्ट वगैरह हो रखे थे, तो उससे मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम पाया गया जिससे कि मुझे डॉक्टर MIR के लिए सजेस्ट की है। तो बस ये जो हॉस्पिटल Cloud9 देख रहे हैं ना, यहीं पर मेरी बेटी का जन्म हुआ था। और आज मुझे इस जगह पे आके फिर से ऐसा फील हुआ कि मैं 6 ईयर्स पीछे चली गई हूँ। होते ही है ना कि आप जब पीछे की चीज़ों को देखते हैं तो फिर से वो चीज़ें याद आने लगती है। तो फिर यहाँ पे मैं हॉस्पिटल के पर्पज़ से ही आई हूँ। यहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी है वो करवाना है मुझे, MRI जो भी है वो कराना है और देखते हैं क्या होता है। तो बस मैं आप सबको बता देना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सर दर्द कर रहा हो, पेट दर्द कर रहा हो, तो इन सब चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मेरे लाइफ में ये लेसन लर्निंग है क्योंकि मैं बहुत इग्नोर करती थी, काफ़ी टाइम से चीज़ें थी लेकिन मैं इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही थी और इसका भुगतान मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी बारिश हो रही है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, काफ़ी रात हो चुकी है, टेस्ट वगैरह में बहुत टाइम लगता है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ घर पहुँच करके आप सबसे। हाय गाइस, तो कल टेस्ट करा के आने वक्त बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी रात को, क्योंकि दिन में अपॉइंटमेंट हम लोगों ने शाम का बुक किया था, तो फिर वही टेस्ट वगैरह कराने में 1 आवर लग गया। तो फिर उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट किए MRI के लिए, तो बस आज MRI भी हो चुका है और रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो आएंगे, देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम मुझे 2019 से ही है क्योंकि उस टाइम से मैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट ले रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब माइग्रेन नहीं था और साइनस भी नहीं था। प्रॉब्लम कुछ और थी, और प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने अगले आने वाले वीडियोस में, तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर अभी ब्लड टेस्ट के लिए, आज ब्लड टेस्ट लिए और फिर उसके बाद देखते आगे क्या डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। और एक्चुअली 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं मुझे, एक ब्रेन में है और फिर एक ओवरी में प्रॉब्लम है, जो सिस्ट है ओवरी में वो काफ़ी ग्रो कर चुका है और बहुत टाइम से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो ऐसा लगता था जैसे बस ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे बारिश होने लग गई थी क्योंकि आज मैंने कपड़े डाले थे धुलने के लिए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे इधर, बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो पा रहा था, काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी मैं। होता है ना जब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें चेंज हो जाती है, आप डेली रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत सटीक बात है। हेल्थ अगर आपका सही है वो सबसे बड़ा चीज़ है। और यहाँ आरू जी बदमाशी करने में लगी हुई थी बारिश में भींगने में, और यहाँ पे और कपड़े हैं जिसे मैं फैला दूँगी। तो दोस्तों, अभी मुझे आप सबकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, अचानक से पता नहीं कहाँ से ये तूफ़ान मेरे जीवन में आया। तो आप सब अपना ब्लेसिंग्स मेरे पे बनाए रखिए, जल्दी से ठीक हो जाए सब कुछ, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ मैं आप सबसे।